तो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। दिस इज चैप्टर 8 ऑफ क्लास 8 मैथ्स। पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं दैट इज़ रेशियो। कंपैरिजन करेंगे थ्रू रेशियो। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ रुपीज़ 5 to 50 पैसे। इन दोनों क्वांटिटीज़ की हमें कंपैरिजन करना है। यहाँ पे आप देखें दिस इज़ इन रुपीज़ एंड 50 आर पैसे। तो या तो हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लें या फिर पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। इससे क्या हो जाएगा, यूनिट्स सेम हो जाएंगी। या तो पैसे पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा या रुपीज़ रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपकी यूनिट्स सेम होती हैं तो कंपैरिजन करना ईजी हो जाता है। सो वी विल मेकिंग फ्रॉम 5 रुपीज़ टू पैसे। 1 पैसे में होता है 1/100 रुपीज़, मीन्स 1 रुपये में होंगे आपके पास 100 पैसे। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, दिस इज 500 पैसे। सो कंपैरिजन हमारे पास हो जाता है 500 पैसे का टू 50 पैसे। इसके लिए हम निकालेंगे रेशियो। जो नंबर आपको पहले दिया गया है वो आप पहले लिखेंगे और जो नंबर आपको बाद में दिया गया है वो बाद में लिखेंगे। यूनिट सेम, दिस विल कैंसिल आउट। ये आ गया आपके पास ऊपर 10 और नीचे आ गया 1, मीन्स रेशियो इज 10:1। नेक्स्ट जो आप रेशियो फाइंड आउट करने वाले हैं दैट इज़ 15 kg to 210 g। केजी को कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम्स में। 1 किलोग्राम में वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो 15 kg विल बी इक्वल टू 15000 ग्राम्स। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे रेशियो। फर्स्ट नंबर इज़ 15 kg, ग्राम में कन्वर्ट होके आ जाता है आपके पास 15000 ग्राम। सेकंड नंबर इज़ 210 ग्राम, दिस इज़ ऑलरेडी इन ग्राम्स सो नो नीड टू कन्वर्ट इट। अब इसको 3 के टेबल से कर लेंगे कि आपके पास आ जाता है 500/7। सो इसकी रेशियो हो जाती है आपके पास 500:7। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ 2 meter to 27 cm। 2 meter ratio to 27 cm, 1 meter में होते हैं 100 cm, तो 2 meter में हो जाएंगे आपके पास 200 cm। रेशियो करनी है हमें 27 cm के साथ, यूनिट्स विल बी सेम। अब ये एक इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो रेशियो आ जाएगी आपके पास 200:27। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है 30 days to 36 hours। सो वी विल राइट रेशियो इज इक्वल टू 30 days to 36 hours। आपको पता है अब ये 2 different units आर देयर। 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, सो डेज़ को हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। अभी आ गया आपके पास आवर्स और नीचे है आपके पास 36। नाउ यू विल सॉल्व इट। 6 का टेबल, 6 5s are 30, आपके पास आ गया 5 4s are 20 और नीचे आ गया 1। सो विल हैव द रेशियो 20:1। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 computers फॉर एवरी 6 students। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 students। कोई कंप्यूटर लैब है जहाँ पे 6 बच्चों के लिए 3 computer हैं। 6 बच्चे और कंप्यूटर कितने हैं, 3, मीन्स 2 बच्चे जो हैं वो 1 computer पे बैठते हैं, उस पर बैठ के काम करते हैं,
शेयर कर रहे हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। सो इसी तरह से 24 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कितना कंप्यूटर नीडेड होंगे, क्योंकि दो बच्चे एक कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो 24 बच्चे के लिए कितना होगा, 12 कंप्यूटर्स होंगे। बट इस क्वेश्चन को करना कैसे है आइए देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और हमें भी स्टूडेंट्स से पूछा गया है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम स्टूडेंट से ही स्टार्ट करेंगे। जो आपको टर्म फाइंड आउट करनी है उसी टर्म से स्टार्ट करेंगे। सो सॉल्यूशन फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स नीडेड, हाउ मेनी कंप्यूटर्स नीडेड, दे आर 3। अब 6 बच्चों के लिए, सो फॉर एवरी 1 स्टूडेंट कंप्यूटर नीडेड, एक बच्चे के लिए कितना कंप्यूटर चाहिए होगा, 3/6। 6 बच्चों के लिए 3 चाहिए तो एक के लिए 3/6 मीन्स हाफ, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। एक बच्चे के लिए हाफ कंप्यूटर मीन्स दो बच्चे जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, आधा आधा कंप्यूटर तो मिलेगा नहीं, तो वो शेयर कर रहे हैं। अब फॉर 24 स्टूडेंट्स, फॉर 24 स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर्स नीडेड, तो जो हमारे पास आया उसको जितने स्टूडेंट्स हमारे पास दिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपके पास 12 कंप्यूटर्स। इस तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।